अपना टेबल का, तो हाउ मेनी टेबल्स यू हैव डन? फाइव टेबल्स, थ्री वे ट्रेडिशनल, टू वे ऑनलाइन। ये आपका टेस्ट तक का पोर्शन बराबर है। टेस्ट का पोर्शन पैटर्न मैंने भेजा हुआ है ग्रुप पे, मिला आपको। 1 hour 50 मिनट्स की टेस्ट होगी, दो स्लॉट्स होंगे। ओके, टाइमिंग्स मैं डाल दूंगा ग्रुप में, देयर विल बी टू स्लॉट टाइमिंग्स, और टाइमिंग्स के साथ दिया हुआ है प्रश्न। टेबल दो होने वाले हैं, 10-10 मार्क के, 5 ट्रांजैक्शंस ऑफ ट्रेडिशनल, 5 ऑफ मॉडर्न। ओके, दो मार्क का एक, 5 ऑफ ट्रेडिशनल, 5 ऑफ मॉडर्न, 10-10 मार्क्स होता है, और 15-15 मिनट टेबल के लिए। 5 डेफिनेशंस होंगे 5 मार्क्स के लिए, विद एग्जांपल लिखना, ओन वर्ड्स में लिख सकते हो डेफिनेशंस, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। एंड क्लासिफिकेशन, 10 टर्म्स ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न दोनों करना है बराबर है। 10 अकाउंट्स क्लासिफाई बराबर, रियल पर्सनल नॉमिनल एसेट्स लायबिलिटी इंफॉर्मेशन, वो 10 मिनट का काम है आपका। तो वैसे होते हैं 1 hour, वैसे तो 1 hour का ही पेपर है, 15 मिनट एक्स्ट्रा है रीचेक वगैरह के लिए, या स्लो स्पीड है तो थोड़ा ध्यान से लिखना। 1 hour 15 मिनट ड्यूरेशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेबल लिख के सॉल्व करना। 5 टेबल है, बाइबल है आपका बराबर से, एक ट्रांजैक्शन छोड़ना हुआ टेबल्स का, ऑल 5 टेबल गो थ्रू तो सब करने हैं, लिख के एटलीस्ट 2 टेबल सॉल्व करना, राइट एंड सॉल्व। ओरली करोगे कभी होने वाला नहीं, एग्जाम में मिस्टेक होगा और होगा, 100% होगा, कोई भी रैंडमली 5 में से 2, 5 टेबल दिया ना अभी जो एनालिसिस टेबल 5 टेबल्स दिया था ना, उसमें से कोई भी 2 टेबल्स पूरा लिख के सॉल्व करना, 1 विद ट्रेडिशनल 1 विद क्लासिफिकेशन के लिए। वो 150 आइटम्स जो दिए हुए हैं सबको गो थ्रू करना, टर्म्स के लिए जो स्टार्टिंग में टर्म्स दिए गए रीड कर लेना, टर्म्स में कोई रट्टा वट्टा मारने की जरूरत नहीं, आप ओल्ड वर्ड्स में लिख सकते। डेफिनेशन में एग्जाम्पल खुद के भी दे सकते, कोई भी एग्जाम्पल दो, जो वहां पे एग्जाम्पल है वही देना जरूरी नहीं। अभी एसेट पूछा है तो अब एसेट में कोई भी एग्जाम्पल दे दो, फर्नीचर इज एन एसेट, मशीनरी, कंप्यूटर, बिल्डिंग, कोई भी दे दो, ठीक है। बट एग्जाम्पल जहां पॉसिबल है वहां पर देना एग्जाम्पल। ओके, और इतना बड़ा ऐसे नहीं लिखना, 1 मार्क का ही, तो 1-2 लाइन में एक्सप्लेन करो, 1 एग्जाम्पल दो। अब मैं एक शीट पास कर रहा हूं आपको, उसके हिसाब से अभी मेकिंग द टेस्ट ग्रुप एंड टाइमिंग एंड ऑल आई बी गिविंग यू। ये शीट में ऑलरेडी कुछ लोगों ने फिलअप किया हुआ है, इसमें आपको आपका नाम लिखना है, आपका बैच लिखना है, जो बैच 2 है आपका, सब लोग बैच 2 के जो ना, बैच 2 लिखना है, और फिर कॉलेज एक्सपेक्टेड लिखना है। मतलब किसी किसी का श्योर हो गया कि मेरे को ये कॉलेज चाहिए, परसेंटेज आ गया मिल जाएगा, किसी किसी का अनश्योर है, तो 2 या 3 नाम लिख दो, एनएमबीटी बाय पोदार या सोमैया और जो भी आपका डिसाइडेड है, एकदम 5-6 नाम होते, जो भी शॉर्ट लिस्टेड है और जिसमें मिल सकता है वो 2-3 नाम लिख एक्सपेक्टेड, अगर एक ही है फाइनल हो गया तो एक ही लिख, ठीक है। तो ये मैं 5 दे रहा हूं, फिलअप करते जाना, एंड उसके बेसिस पे आई विल पुटिंग द टेस्ट ग्रुप टाइमिंग्स एंड ऑल। आज संडे को टेस्ट है, मिस मत करना, टाइमिंग बराबर जो स्लॉट असाइन किया, 2 स्लॉट्स होंगे टेस्ट के, 1 स्लॉट वुड बी 8 to 9:50, दूसरा होगा 9:30 to 10:45। ओके, अपने स्लॉट में आके लिख के जाए, एंड कुछ भी डाउट्स क्वेरीज हो तो पूछ लेना, यहाँ पे टेबल खत्म होता है। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट ऑफ दिस ईयर, नॉट ऑफ नेक्स्ट ईयर, फॉर द एंटायर बुक कीपिंग एंड अकाउंट, दैट इज जर्नी। अगले 20-25 दिन तक ये टॉपिक चलते रहेगा, हेवी टॉपिक है, सबसे बड़ा है, इट्स लाइक द बेस पिलर। ये जितना स्ट्रॉन्ग करोगे ना, जर्नल आएगा तो लेजर आएगा, लेजर आएगा तो सब्सिडरी आएगा, सब्सिडरी आएगा तो कैशबुक आएगा, कैशबुक आएगा तो पेटी कैशबुक आएगा, पेटी कैश आएगा तो रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन सब आएगा। यही सबका हमारी बात है, जर्नल फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट, प्राइमरी बुक ऑफ यानी जर्नल। हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट चल रहा है, टू बुक जर्नल एंड बुक्स ऑफ अकाउंट, जर्नल एंड जर्नल इज कॉल्ड एज अ बुक ऑफ प्राइमरी, लेजर इज कॉल्ड एज अ बुक ऑफ सेकेंडरी। कितने बुक्स होते हैं? 2। सबसे पहला रिकॉर्ड जिस बुक में जाता है दैट इज कॉल्ड एज जर्नल। जर्नल में हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, कैसे करते हैं, डेट जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हुआ डेट वाइज। एंड व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड टू रिकॉर्ड द एंट्रीज इन जर्नल? प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जर्नलाइजिंग। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन जर्नल इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग।
सो जर्नलाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द एंट्रीज इन जर्नल, बराबर है. फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट्स, ओके. हाउ टू ड्रॉ इट, हाउ टू डू इट, ध्यान से बोर्ड पे लिखना, कुछ लिखना मत. पहले मेरे को ड्रॉ करने दो, लिखने दो, फिर कॉपी करना आराम से. प्राइम बुक ऑफ अकाउंट, फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट, जर्नल. अगर यू टेक जस्ट द क्वेश्चन, पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. दिख रहा है आपको, अगस्त 2014 डेट भी दी गई है आपको. तो आप शुरुआत ऐसे करते, इन द बुक्स ऑफ श्री अनुज. अगर बिजनेस का नाम दिया है ना, कभी कभी बिजनेस का नाम देते हैं, जैसे गडा इलेक्ट्रॉनिक्स, अजय एंड कंपनी, विजय एंड कंपनी, तो बिजनेस का नाम लिख देना. अगर बिजनेस का नाम नहीं है तो ओनर का नाम लिख. मुझे कैसे पता चला वो ओनर क्या लिखा है पहले इंटरव्यू, श्री अनुज इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस. ठीक है, हु इन्वेस्ट इन बिजनेस, ओनर, श्री अनुज ओनर का नाम. तो या तो बिजनेस का नाम लिखो, बिजनेस का नाम नहीं है तो आप क्या लिखो, ओनर का नाम. ठीक है, बात समझ आई. तो यहाँ पे बिजनेस का नाम नहीं है तो मैं इन द बुक्स ऑफ श्री अनुज लिखूंगा. नेक्स्ट लाइन पे लिखना है जर्नल एंट्रीज. क्या लिखना है, जर्नल. या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या तो अनदर वे ऑफ डूइंग दिस इज इन द जर्नल ऑफ श्री अनुज, इन द जर्नल ऑफ श्री अनुज, बस इन जर्नल एंट्री वापस नहीं लिख, इन द जर्नल ऑफ श्री अनुज, बस वो भी लिख सकते. ये हेडिंग में लिखना है जर्नल का फॉर्मेट. अगर आपको शायद याद हो, मैंने जब एक डेफिनेशन करवा रहा था, रफ में एक जर्नल ड्रॉ की थी, ये कुछ ऐसे लिखती है, डेट, पर्टिकुलर्स, हाँ, एल एफ का मतलब होता है लेजर फोलियो. वेरी गुड, लेजर फोलियो याद है आपको. फोलियो का मतलब पेज नंबर, एल एफ का मतलब लेजर फोलियो. क्यों होता है यहाँ पे लेजर फोलियो, क्रॉस चेक. लेजर में होता है जर्नल फोलियो, जर्नल में होता है लेजर, क्रॉस चेकिंग. क्योंकि लेजर में आप यहाँ से कॉपी करने वाले, इसलिए मैंने बोला ना, ये अगर आपने परफेक्टली कर लिया तो सब टॉपिक्स आसान, नेक्स्ट ईयर भी आसान, कंपनी अकाउंट भी आसान, सब आसान. बेस ऑफ एवरीथिंग इज दिस तो सब लोग को नोटबुक लेनी है, एक ही साइड पर ड्रॉ करना है. कैसे ड्रॉ करना है, मार्जिन पता है ना आपका, मार्जिन यूज करना है, मार्जिन पे डेट लिखना, मार्जिन पे डेट लिखना, और जितना साइज मार्जिन का है अप्रोक्स उतना ही साइज डेबिट और क्रेडिट का हो. ठीक है, और ये एकदम पतला रहेगा, टांडी अगरबत्ती जितना, एल एफ, कैन यू सी दैट. क्योंकि आपको सम्स में पेज नंबर नहीं देते तो ये खाली रहने वाले, लेकिन पार्ट ऑफ द फॉर्मेट है, इसके लिए ड्रॉ करना है. तो ड्रॉ करना पड़ेगा, एल एफ जितनी जगह लिखना और पतला का कॉलम आएगा छोड़ दो. साइज समझ में आई, मार्जिन जितना ही साइज डेबिट का और क्रेडिट का, इधर अमाउंट लिखना. सबसे बड़ा स्पेस ये लेगा, पर्टिकुलर पतला बना हुआ, एक सब चार पांच पेज पे चला जाए. सबसे मसाला यहां पे लिखना, पर्टिकुलर ड्रॉ करो, चलो एक ही पेज पे, दो साइड नहीं लेना, सिंगल साइड पे करना है. देखो परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बना है, तुम्हारा अमाउंट थोड़ा मोटा हो, अमाउंट अमाउंट है ना, ये देखो ये साइज, मार्जिन जितना पतला हो यही साइज का, ये मोटा हो, पतला करो, दिख रहा है ये सबको. हेलो, ये एल एफ थोड़ा इसने और मोटा बनाया, एल एफ और पतला बनाओगे तो भी चलेगा. ओके, हाँ ये देखो एकदम पर, विथ हेडिंग्स एकदम पर, अलाइनमेंट दिख रहा है, इतना ही अलाइनमेंट रखना, परफेक्ट अलाइनमेंट. और ये जो मैंने हेडिंग लिखी है ऊपर, ये यहां लिख देना, ऊपर है ना आपका मार्जिन बॉक्स हेडिंग वाला, उधर लिख देना. ठीक है, इन द बुक्स जजमेंट लेके गए, और बताओ ना, और बताओ इसको एल एफ और घसीट लो यार. देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे लाइन, ये हिंट है, इसको पकड़ो और यही साइज का ये बना, इधर आपका एल एफ है, इसको
आपको ना पिछले पेज का रेड लाइन दिखेगा, वो मार्जिन के लिए यूज कर सकते। देखो ये भी परफेक्ट बना है, दिख रहा है? ध्यान से ड्रॉ करो नीटली एकदम। एलएफ को पतला बना, एलएफ में कुछ मसाला आने वाला नहीं, एलएफ अगरबत्ती जितना पतला रहे। परफेक्ट एकदम परफेक्ट। ड्रॉ करो सब लोग, लिखो हेड्स, लिखो डिजाइन है बोल। परफेक्ट परफेक्ट, देखो एकदम भी पतला मत कर देना है, वो एक मिलीमीटर जितना क्यूब पता ही नहीं चला क्या लिखा है, ये बहुत ज्यादा पतला है। देखो ये बराबर है, ये बराबर है, परफेक्ट एकदम परफेक्ट, वेरी गुड। अलाइनमेंट एकदम ध्यान से करना, पर्टिकुलर बड़ा रखना। ऊपर लिखो, इधर भी चलो, बराबर। एलएम और बड़ा बदला करो, बराबर। एलएम और बड़ा बदला करो, भी चलेगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द जनरल स्टफ नाउ। दिख रहा है आपको क्या लिखा मैंने? डे, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, टी ए आर टी आई सी यू एल ए आर एस, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स मतलब मसाला, डेटा। एल एफ डेबिट, रुपीस एंड क्रेडिट, रुपीस का साइन हो, रुपीस का साइन मालूम है ना इसे? रुपीस का साइन हो, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट। यही अमेरिका में करोगे तो इधर क्या दिखेगा? डेबिट डॉलर एंड क्रेडिट डॉलर करा दे, सम्स भी डॉलर कर दे, पर नाम इंडियन। सो रुपीज में लिखना है, ठीक है? हम अभी कैसे लिख रहे हैं एंट्री सुनना जाए आपको, जो भी ट्रांजैक्शन, हम लोग अभी एक्चुअल रिकॉर्डिंग पे जा रहे हैं, ठीक है? अब तक हम लोग लर्न कर रहे थे, नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी एक्चुअल क्रिकेट मैच चालू, एक्चुअल रिकॉर्डिंग चालू कर रहे हैं हम लोग। इसमें ट्रांजैक्शन पढ़ना है, इट्स अ थ्री स्टेप प्रोसेस, आइडेंटिफाई, क्लासिफाई, अप्लाई द गोल्डन रूल्स, वही फॉलो करना है। लेकिन आप क्या करते थे? ट्रांजैक्शन पढ़ते थे, फिर दो अकाउंट लिखते थे, नाम लिखते थे, लेट्स से फर्स्ट वन कैश एंड कैपिटल, फिर टाइप लिखते थे, कैश वॉज रियल, कैपिटल इज पर्सनल, फिर रूल एप्लीकेबल, फिर आप डिसाइड करते थे व्हाट शुड बी डेबिट एंड व्हाट शुड बी क्रेडिट। ये सब आपको अभी दिमाग में कर, ये सब आपको मेंटली करना है। आप चाहे ट्रेडिशनल यूज करो चाहे मॉडर्न, दिमाग में कौन घुस के देखने वाले इसको क्या पता, लेकिन बेटर है आप क्या अप्लाई करो, मॉडर्न, जैसे जमता है, जो इजी लगता है, ट्रेडिशनल तो ट्रेडिशनल, मॉडर्न तो मॉडर्न, सब रूल अप्लाई करके फाइनल आंसर पे आ रहा है, व्हाट शुड बी डेबिटेड एंड व्हाट शुड बी, वो फाइनल आंसर अभी आपको बताना है, ठीक है? सब दिमाग में करना है, टाइप, नेम, रूल एप्लीकेबल, सब दिमाग, क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है, सीधा उस पर अराइव करना है। बात समझ आई? देखते जाओ, श्री अनुज इन्वेस्टेड इन बिजनेस, तो आराम से सोचो व्हाट आर द टू अकाउंट, कैश, कैपिटल, ये लिखना है। अगर किसी को नहीं जम रहा है मेंटल तो अभी लिख के रफ में कर सकता है, बट थोड़ा थोड़ा करके अभी हैबिट डालो मेंटली करना। कैश एंड कैपिटल, कैश इज एसेट रियल, कैपिटल इज पर्सनल कैपिटल, रूल एप्लीकेबल टू कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैपिटल क्रेडिट द गिवर, या फिर कैश इंक्रीजेस सो डेबिट, मॉडर्न कैपिटल इंक्रीजेस सो क्रेडिट, अल्टीमेटली क्या डेबिट करना है, कैश डेबिट करना है, कैपिटल क्रेडिट करना है। ये समझ में आ गया सब? डू यू ऑल गेट दिस? कैश मस्ट बी डेबिटेड, कैपिटल मस्ट बी क्रेडिटेड, ऑल ऑफ यू सॉर्टेड, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। अब लिखना कैसे? लिखना कॉपी मत करना, बता रहा हूं बाद में, देख लो फिर कॉपी करना। हाउ टू राइट द एंट्री, पहले डेट लिखनी है, वन
ऑगस्ट 14 महीने की डेट से एंट्री ऐसे होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, डेबिट के लिए मैंने डीआर लिखा हो, क्रेडिट के लिए सीआर जैसा कुछ नहीं लिखने का, और हमेशा ऊपर डेबिट और नीचे क्रेडिट, और थोड़ा पैरा जितना स्पेस छोड़ेगा पैराग्राफ जितना, फिर टू आएगा, ठीक है यहां पे जैसे लिखा वैसी, अमाउंट इज 2 लाख, तो इधर ऊपर वाले लाइन में 2 लाख डेबिट के लाइन में डेबिट का, और नीचे वाले लाइन में 2 लाख, इसका मतलब क्या, डबल एंट्री कर रहे हो ना, कैश डेबिट मतलब कैश बढ़ा 2 लाख से, और सामने कैपिटल क्रेडिट 2 लाख से कैपिटल भी बढ़ा, डेबिट भी बढ़ा, एसेट भी बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ा, क्रेडिट भी बढ़ा, कैश अकाउंट डीआर, डीआर स्टैंड फॉर डेबिट, टू स्टैंड फॉर क्रेडिट, डोंट राइट सीआर, वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होता है, मैनुअल में नहीं लिखा जाता, तो टू कैपिटल अकाउंट सीआर नहीं लिखना, सर डीआर क्यों लिखा, वो आता हूं मैं उस पर, डीआर भी आता है, डीआर इसलिए है क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डेबेरे एंड क्रेडेरे, डेबेरे एंड क्रेडेरे, डेबेरे क्रेडेरे बिकेम डेटर एंड क्रेडिटर, तो डेटर का शॉर्ट फॉर्म डीआर, क्रेडिटर का शॉर्ट फॉर्म सीआर, डीटीसीटी नहीं आया अभी तक परंपरा, तो डीआर लिखना, डेबिट के लिए डीआर, क्रेडिट के लिए सीआर, अब ऊपर डेबिट नीचे क्रेडिट, और ये देखो मैंने चिपका के लिखा है मार्जिन के साथ, और ये पैरा जितना स्पेस छोड़ के लिखा हुआ, और फिर एक चीज ब्रैकेट में दिखानी है आपको, बी कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस एज कैपिटल, ये क्या है, याद है आपको, व्हाट्स अ नरेशन, इट्स अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी जर्नल एंट्री विथ सिंपल इंग्लिश, एंड इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड बी, वाई शो परंपरा, ट्रांजैक्शन हो रहा है हम रिकॉर्ड कर रहे हो, बी नरेशन आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, यू शुड जस्ट कन्वे द मीनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन नरेशन, ओके, बीइंग लेमैन के वर्ड में, बीइंग कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस एज कैपिटल, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस एज कैपिटल, बीइंग ओनर्स मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ओन वर्ड्स में लिखो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश भी नहीं आती है, क्वेश्चन लिखो, तो क्वेश्चन है वो नरेशन, बी करके क्वेश्चन छाप, इज इट क्लियर, हाँ वही है, ओके, बी कैश इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस वही है, अरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फ्रेम करना पड़ेगा ना, बी कैश इन्वेस्टेड बाय श्रीयंग, वो भी चले, ओन वर्ड्स में लिखो, एक दो वर्ड ऊपर नीचे हो गया चलेगा, मीनिंग कन्वे होना चाहिए, समझ में आया, क्लिक हो रहा है तो ठीक हो, सिंप्लीफाई करने आ रहे हो तो करो, वरना छाप दो क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज नरेशन, इट शुड जस्ट स्टार्ट विद द वर्ड बी, करो कॉपी ध्यान से करो पूरा, स्टार्ट विद कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, फिर नीचे नरेशन लिखो डेट के साथ, नीट एंड क्लीन इट, सब लोग लिखो, डेबिट एकदम एंड में ही होना चाहिए, हाँ डेबिट एकदम इधर चिपका, क्यों आज जी नहीं आई ना, तो आज टू, हाँ अभी अभी टू लिखो, और आपके रिवीजन के लिए मैं जो वीडियोस हैं वो भी शेयर करने वाला हूं ग्रुप पे, अगर कोई भूल भूल गए होंगे तो आप रिवाइज कर सकते हो, टेबल के भी वीडियोस, क्लासिफिकेशन के भी वीडियोस हैं, सब शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, तो देख लो आप, अगर किसी को चाहिए तो टेस्ट से पहले गो थ्रू करना है, कुछ मिस आउट हो गया है देख सकते हो आप, ऑल दोज नेम्स आई विल बी शेयरिंग इन द ग्रुप, कुछ नहीं समझ में आया तो डाउट्स तो है ही, मेरे से भी पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, रिवाइज करना कड़क रीत से एकदम, लगता है इजी है बट किधर किधर सिली मिस्टेक हो जाता है पता नहीं चलता है, अकाउंट्स इज ऑल अबाउट अवॉइडिंग सिली एरर्स,
देखा सबने, देखो सेकंड वाला देखो, ओपन एन अकाउंट विद द बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग कैश। हमने बैंक अकाउंट किसने ओपन किया, बिजनेस, मतलब बैंक में पैसा डाल, सोचिए कैश एंड बैंक, बैंक लिखो या बैंक ऑफ इंडिया लिखो, बोथ आर फाइन, कैश एंड बैंक, उनमें आया बैंक में डाल, बैंक इज डायरेक्टली बोलो, बैंक इज पर्सनल, कैश इज रियल, बैंक रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट, बैंक ऑफ इंडिया डेबिट एंड कैश क्रेडिट, या फिर मॉडर्न बैंक एसेट बढ़ा कैश एसेट, ये भी कर सकते, बैंक एसेट बढ़ा कैश एसेट। सो फाइनली एंट्री कैसे लिखनी है, पहले डेट लिखनी है, एक लाइन छोड़, ये एंट्री होने के बाद एक लाइन छोड़ने का, फिर 2/8/14 को लिखने का, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना डाला, 10,000, अमाउंट इज 10,000 फॉर डेबिट, 10,000 फॉर क्रेडिट, ऊपर वाले लाइन में लिखा है मैंने डेबिट लिखा है, नीचे वाले लाइन में क्रेडिट लिखना है, हमेशा डेबिट ऊपर क्रेडिट नीचे, आप उल्टा नहीं कर सकते, ऊपर क्रेडिट नीचे डेबिट नहीं चलेगा, टेबल में चलता है, इधर हमेशा ऊपर डेबिट नीचे क्रेडिट, और बी कैश डिपॉजिटेड इन बैंक या विथ बैंक, बी कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, यस कंपल्सरी, इट शुड बी देयर, बट यू कैन राइट इन योर ओन एंड बस इट शुड स्टार्ट विद द वर्ड बी, होना चाहिए, नहीं होगा तो मार्क्स काट लेंगे, मतलब डेबिट क्रेडिट जो भी होगा ऊपर डेबिट नीचे क्रेडिट, बीच में टू, मतलब टू स्टैंड क्रेडिट, टू का मतलब भी वो क्रेडिट होगा, मतलब बैंक ऑफ इंडिया डेबिट हो रहा है कैश क्रेडिट हो, समझ आया, एकदम नीटली लिखना, एक एक लाइन छोड़ के लिखना एंट्रीज, समझा सबको, कर रहे हो दिमाग में कैलकुलेशन जम रहा है, थर्ड वाला देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश, कम ऑन टेल मी, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज एंड कैश, परचेज इज एक्सपेंस, कैश इज एसेट, परचेज एक्सपेंस बढ़ा, कैश एसेट घटा, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, कैश घटा तो या ट्रेडिशनल, परचेज नॉमिनल कैश रियल, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट व्हाट, द वे यू फील कंफर्टेबल यू अप्लाई इट इन योर माइंड, if you are feeling it is a bit faster slow